Hi, I'm Prakhar, also known as Praxpi Music. So I've been in this music industry since 8 years. I have produced a lot of songs. So I'm a music producer, sound engineer, and a songwriter as well. So what inspired me towards the music? Okay, so जब मैं आई मीन 7 साल का था सो 7 साल से ही मुझे आई मीन म्यूज़िक बहुत फैसिनेटिंग लगता था. आई यूज़ टू थिंक कि इतने सारे साउंड इतना सब कुछ ऐसे कैसे हो जाता है. आई मीन आई नो मैं बहुत छोटा था उस एज के लिए, बट सो व्हेन आई स्टार्टेड हियरिंग म्यूज़िक आई फेल्ट लाइक कि यार क्यों ना इसमें कुछ देखा जाए. आई मीन वाई कैन नॉट आई प्ले दिस. सो आई स्टार्टेड विद अ स्मॉल थिंग, इट वॉज अ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड बोंगो. सो आई स्टार्टेड विद दैट. सो बोंगो से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई धीरे धीरे एंड फाइनली आई एम हियर विद द होल म्यूजिक प्रोडक्शन सेटअप. इन द स्टार्टिंग इट कैन बी अ बिट रिस्की बिकॉज हमारे पेरेंट्स की थिंकिंग कुछ ऐसी है कि दे वॉन्ट अस टू बी सेटल्ड, दे वॉन्ट अस टू बी सिक्योर्ड. हम उनको चाहिए कि हम एक सिक्योर जॉब में लग जाएं, बट म्यूजिक एज अ करियर वो लोग ऑप्ट नहीं कर सकते और ना ही वो इसे एज अ करियर देख सकते हैं. क्यों? उसका रीज़न है बिकॉज एट दैट टाइम उनके टाइम पे ये चीज़ें इतनी फीजिबल नहीं थी, बट हमारे टाइम पे इट्स यू नो फीजिबल कि हम एक इसे ऐसा करियर चूज़ करें और इसमें एज अ ग्रो कर सकें. सो वी हैव टू मेक टू यू नो वी हैव टू मेक आर पेरेंट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. हम उनको बता सकते हैं कि इसमें करियर के बहुत सारे ऑप्शन हैं और डेफिनेटली अगर हम किसी फील्ड को चूज़ करते हैं उसमें अपना 100% देते हैं सो ऑब्वियसली वी कैन बी सक्सेसफुल इन दैट. म्यूज़िक के लिए आपके पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है. जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स है वो है ऑब्जर्वेशन की. आपके पास अच्छी ऑब्जर्वेशन स्किल्स होनी चाहिए ताकि आप किसी चीज़ को सुनो तो आप समझ पाओ कि वो चीज़ क्या है, आप उसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो. दूसरी चीज़ ये है कि आपको कोई इंस्ट्रूमेंट आना ज़रूरी है. आप पियानो सीखो वो ज़्यादा बेटर रहेगा क्योंकि वही म्यूज़िक प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. आप उसी के थ्रू मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड कर सकते हो और अपने प्रोडक्शन में आप ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकते हो. दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर म्यूज़िकलिटी होनी चाहिए, आपको क्रिएटिव होना चाहिए. आपको ज़्यादा जितना ज़्यादा आप और जॉनर्स को सुनोगे उतनी ज़्यादा आपकी क्रिएटिविटी इन्हेंस होगी. आप मल्टीपल जॉनर्स को फ्यूज़ कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ें आप जितना ज़्यादा सीखोगे और करोगे उतनी ज़्यादा आएगी. और लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास म्यूज़िक का पैशन होना चाहिए. अगर आप पैशनेट हैं म्यूज़िक के लिए तो डेफिनेटली आप और ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे उसमें और ज़्यादा अपने म्यूजिक से म्यूजिक का प्यार दूसरों तक पहुंचा पाएंगे. देयर आर मल्टीपल कोर्सेज विच स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट, लाइक देयर आर डिप्लोमा और डिग्री कोर्सेज. मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिप्लोमा भी कराती हैं और डिग्री भी कराती हैं. सो जो आपको बेटर लगे आप वो कर सकते हैं. डिप्लोमा में जाएंगे तो उसका टाइम ड्यूरेशन कम होगा और अगर आप डिग्री लेंगे तो फुल टाइम डिग्री होगी, दैट विल बी अराउंड ऑफ 2 और 3 ईयर्स. देयर आर मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस लाइक जो डिग्री कराती हैं, डिप्लोमा भी कराती हैं इन म्यूज़िक प्रोडक्शन. साउंड इंजीनियरिंग करनी है आपको या फिर साउंड राइटिंग का कोर्स करना है, सो द टॉप इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं. लाइक FTI है पुणे का, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है. सीट्स आर लिमिटेड सो द कॉम्पिटिशन इज टफ देयर. और अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आप्ट है, क्राफ्ट है नोएडा में. और फॉर फर्दर अगर आप और ज़्यादा जाना चाहते हैं ऊपर तो फिर ट्रू स्कूल ऑफ म्यूज़िक है मुंबई में. एस्पिरेंट्स ऑफ म्यूज़िक कैन गैदर प्रैक्टिकल नॉलेज थ्रू इंटर्नशिप्स. सो बहुत सारे ऐसे स्टूडियोज़ हैं जो इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं आपको. सो आप उनके पास जाओ, अलग अलग स्टूडियोज़ में पता करो, जहाँ पे रिक्वायरमेंट है यू कैन गेट हायर्ड. इवन दे इफ़ अगर वहाँ पे है ऐसा तो दे विल पे यू. और अगर नहीं भी है सो इट्स ओके बिकॉज आप अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, पे के लिए नहीं जा रहे हैं. आप वहाँ पे जाइए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना नॉलेज को गेन करो, देखो कि काम कैसे होता है और अपने लिंक्स बनाने की कोशिश करो ताकि वो आपको आगे हेल्प करें. सो स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट, बट स्टडीज़ के साथ साथ अगर आप अपने ड्रीम को परस्यू करना चाहते हैं सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप स्टडीज़ के साथ साथ पैरेलली आप अपना म्यूज़िक की जर्नी स्टार्ट करें. सो इनिशियल स्टेज में आपको इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हैं, कोई क्लासेस ले सकते हैं जो आपको इंस्ट्रूमेंट सिखाए, या फिर आप अपने आप से ही यूट्यूब से सीखना शुरू कर सकते हैं. दैट विल बी रियली हेल्पफुल. इनिशियली जब आप अपना कोर्स ख़त्म करोगे या डिग्री ख़त्म करोगे उसके बाद आपको इनिशियल स्टेज पर एज अ फ्रीलेंसर काम करना ज़्यादा बेहतर रहेगा.
आप एज अ फ्रीलांसर काम करो और ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करो, और उसके बाद फिर जब आपका काम ऊपर पहुंच जाएगा, आप अपने आप लोगों को दिखने लग जाओगे, देन यू कैन गेट हायर्ड। देयर आर मल्टीपल इंडस्ट्रीज, लाइक एडवर्ट इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, या प्रॉपर म्यूजिक इंडस्ट्री है, तो आप उनमें से किसी इंडस्ट्री में, किसी बड़ी फर्म में हायर हो सकते हो, उनके लिए काम कर सकते हो। बट इनिशियल स्टेज में एज अ फ्रीलांसर काम करना ज़्यादा बेटर रहेगा, ताकि आप अपनी नॉलेज को गेन कर सकें। इस पाथ में जनरली सेटबैक्स होते हैं, बट मैं लकी था कि मेरे साथ कोई ऐसा सेटबैक हुआ नहीं, क्योंकि मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। सो जनरली क्या होता है कि इंडियन पेरेंट्स की मेंटालिटी ऐसी होती है कि वो म्यूज़िक को एज अ करियर नहीं देखते हैं, या किसी भी ऐसी आर्टिस्टिक फील्ड को नहीं देखते हैं एज अ करियर। बट आप अपने पेरेंट्स को अगर समझाएंगे, उनको बताएंगे कि इसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं सामने, सो डेफिनेटली वो समझेंगे और आपको परस्यू करने देंगे आपका ड्रीम। इनिशियली जब मैंने म्यूज़िक प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, तो मेरे पे रिसोर्सेज नहीं थे, मुझे भी नहीं पता था कि मैं कैसे स्टार्ट करूँगा, किस पाथ पे जाऊँगा, क्या होगा। बट जैसे जैसे मैंने थोड़ा रिसर्च करना शुरू किया, मेरे को चीज़ें पता चली, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट करा, मेरे को इंस्ट्रूमेंट खरीद के दिया, सो मैंने अपने आप उसमें ही सीखा, चीज़ें बढ़ती चली गई धीरे 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 करके, लिंक्स बने और लोगों से, उस फील्ड में कैसे काम होता है मैंने एक्चुअल में सीखा। सो जो मैं एडवाइस आपको यही करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क करो उस फील्ड के लिए, रिसर्च करो कि चीज़ें कैसे होती हैं, लोगों से लिंक्स बनाने की कोशिश करो, उनके पास जाओ, प्रैक्टिकल देखो कि काम कैसे होता है, देन ही आप इस फील्ड में ग्रो कर पाओगे, और वो ज़्यादा बेटर अप्रोच रहती है, रेदर देन कि आप खुद से ही सब कुछ अपने आप से ही करो और बिना लिंक बनाए लोगों से, अपने आप नहीं हो सकती वो चीज़। इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन गिव अस अ थम्स अप एंड कमेंट योर थॉट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।